नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। शनिवार की शाम ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला रीवा जिले के मंगमा के नेशनल हाईवे नंबर 30 पर, जहां रीवा की ओर खड़ी सिल्वर रंग की एक इनोवा कार सवार लोगों ने उस समय 15 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिस वक्त मंगमा पुलिस के द्वारा सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वाहनों को सड़क से हटवाया जा रहा था। डेली देख लो मैटर अपराध को नहीं रोकते हो, नहीं रोका अधिकारी को बैठा हुआ बैठा हूँ तो नहीं रोकते, इधर पार्टी के रोब दिखाते हो। आज जिला पंचायत महिला सभापति है, मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ। नहीं बसपा की गाड़ी देकर मांग करें, ये लोग क्या बसपा की गाड़ी देकर मांग करेंगे? आप लोग बात खत्म हो जानी चाहिए, कोई जब भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आपने गाड़ी ठोक दिया, आपने ऑलरेडी वो जनप्रतिनिधि कौन रहे डीआई साहब? यहाँ पे आई हंगामा हो रहा है, आपके पुलिस वाले हमारी ठोक रहे हैं। ये पुलिस वाले आपके यहाँ पे सिपाही है कौन सा? अमित सिंह मेरी नोवा में ठोकता गाड़ी साइड करिए, हम लोग खड़े थे बैठाने की जगह। 200 लोग हैं, आप आइए थोड़ा। यही कोई इलाहाबाद मोड़ पे बाईपास चौराहे चौराहे पे तो आप आइए, हंगामा हो जाता है। 200-300 लोग हैं, आप आइए। हाँ सर आइए, आप समझाइए। गाड़ी ठोकते हैं लोग, नीचे सवार कुछ नहीं करते हैं। लेडी गाड़ी साइड में, कौन सी बीच रोड में बैठा हुआ, खुद रास्ते में गाड़ी खड़ी की साइड इतने सारे टूर प्लाजे में बिठाने आए तो अपन लोग नहीं जाएंगे। टीआई साहब आ जाए, एसपी की बात है, कोई गाड़ी में बैठेगा सब जाएंगे हम लोग। एक आरक्षक द्वारा इनोवा कार को हटाने के लिए कहना इतना बुरा लगा कि उसी समय इनोवा कार में बैठी बहुजन समाज पार्टी की महिला नेत्रियों ने बताया कि हम बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं। उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के अन्य लोग भी साथ थे और कहने लगे कि पुलिस की हिम्मत कैसे पड़ गई कि हमारे गाड़ी को हटाने के लिए कह दिया, जबकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस नम्रतापूर्ण अपनी बात कह रही है कि सड़क व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के लिए गाड़ी को सड़क से बाहर करने के लिए कहा गया था। बसपा के नेताओं को पुलिस का यह बर्ताव नागवार गुजरा और देखते ही देखते अपने कुछ समर्थकों को और भी बुला लिया और कहा कि एसपी कलेक्टर को अभी यहीं पर बुलाओ और इस आरक्षक को निलंबित कराओ, तब हम लोग यहां से हटेंगे। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके कारण हाईवे में एक तरफ से जाम की स्थिति भी कुछ मिनटों के लिए बन गई, फिर किसी कदर आसपास के लोगों के द्वारा मामले को सुलझा कर शांति कराई गई। इस दौरान नेताओं ने थाना प्रभारी को भी फोन कर तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा। अब सवाल यह उठता है कि क्या सभी नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं, नेताओं और जनप्रतिनिधि के लिए कुछ नियम नहीं है? आखिर इसमें पुलिसकर्मी की क्या गलती थी जो उसने नियमों का पालन करने के लिए कहा था, जो उसे इतनी खरी खोटी सुननी पड़ी? इन जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि व्यवस्थाओं को बनाने में साथ देकर उदाहरण पेश करें, जिससे आम लोग भी नियमों का पालन करें। किसको बिठाने आए तो अपन लोग नहीं जाएंगे, टीआई साहब आ जाए, एसपी की बात है, कोई गाड़ी में बैठेगा सब जाएंगे हम लोग।
अरे हम लोग बुलवाते हैं, बिल्कुल सही नहीं हो झंडा देके हाथी के तौर पे बस सत्ते में गुरु में आप लोग पब्लिक बनाते हैं आप लोग किसी महिला का अपमान करते हैं आप लोग सब तक रूम में आके मेरी बात करो अपने जस्टिस बात करेंगे।